नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राशि अग्रवाल है और मैं आज आपसे खाने की नली का कैंसर का इलाज किस तरह से होता है उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। खाने की नली काफ़ी लंबी होती है, ये गले से शुरू होकर के पेट तक जाती है, तो पूरा छाती का हिस्सा भी कवर करती है। खाने की नली लगभग 25 सेंटीमीटर के लगभग लंबी होती है। तो इसके जो खाने की नली है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसको हम अपर इसोफेगस, मिडिल इसोफेगस या फिर लोअर इसोफेगस कहते हैं। तो जो ट्रीटमेंट है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि किस जगह का कैंसर है और किस तरह का है। जैसे कि अगर अपर इसोफेगस खाने की नली के ऊपरी हिस्से का कैंसर होता है तो इसका इलाज रेडिएशन के द्वारा होता है। और रेडिएशन क्या होता है इसको मैंने आगे आप देखिएगा, मैंने वीडियो में दिखाया हुआ है। तो जो अपर इसोफेगस है उसका जो ट्रीटमेंट है वो सिर्फ रेडिएशन के द्वारा होता है, जो कि 6 हफ्ते तक, लगभग 6 हफ्ते चलता है। और अगर इसके अलावा अगर मिडिल इसोफेगस का अगर ट्यूमर होता है तो उसको पहले स्टेजिंग की जाती है। स्टेजिंग के लिए पैट सीटी या इंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड, इस तरह के टेस्ट किए जाते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि स्टेज क्या है। और स्टेज के बाद फिर अगर थोड़ी स्टेज ज़्यादा है तो पहले सिकाई से पहले ऑपरेशन से पहले सिकाई और दवाई दी जाती है, जिसे हम बोलते हैं न्यू एडजुवेंट कीमो रेडियोथेरेपी, जिससे कि ट्यूमर छोटा होता है और उसके बाद फिर ऑपरेशन किया जाता है। और इसी तरह से अगर खाने की नली के नीचे वाला हिस्से का ट्यूमर होता है तो उसमें भी प्रॉपर स्टेजिंग के बाद फिर रेडिएशन किया जाता है और उसके बाद ऑपरेशन किया जाता है। और जो रेडिएशन होता है इसमें वो कम मात्रा में किया जाता है, मतलब लगभग 4 साढ़े 4 हफ्ते का ही रहता है, ताकि हम ट्यूमर को छोटा कर सकें और उसके बाद उसकी ऑपरेशन किया जाता है। ट्यूमर में रेडिएशन के साथ में कीमो भी दी जाती है। कीमो जो होती है वो उसका मेन जो काम होता है वो ये होता है कि रेडिएशन के असर को बढ़ाती है, जिससे कि हमारा रेडिएशन जो है वो जो जो रेडिएशन है वो जो ट्यूमर है उसको उसके ऊपर अच्छा असर कर सके और उसको बहुत छोटा कर सके। इस तरह से खाने की नली के कैंसर का इलाज किया जाता है। खाने की नली का कैंसर के टाइप भी दो होते हैं, जिसमें अगर हिस्टोपैथोलॉजी के थ्रू देखा जाए, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा और एडेनो कार्सिनोमा। तो ये स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा है या एडेनो कार्सिनोमा है, और या फिर खाने की नली के किस हिस्से का ट्यूमर है उसके हिसाब से इलाज किया जाता है। जितना जल्दी पेशेंट को डिजीज डायग्नोज हो जाती है उतना ही इस जो बीमारी है उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं।